नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऐश है और आज मैं आपके लिए एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो कि एक रिपेयरिंग के संदर्भ में आता है, जो कि आप सामने अभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। मेरे पास सैमसंग का एक फ़ोन है डुओस, जिसका टच बुरी तरह से टूट चुका है। तो इसके रिप्लेसमेंट के लिए मुझे बहुत सी रिक्वेस्ट आई थी, मुझसे पूछा गया था कि क्या आप मोबाइल रिपेयर करना आता है या फिर कुछ रिप्लेसमेंट। तो उनके लिए मैं हल्की सी प्रोसेस बताने जा रहा हूँ जो कि आप अपने ही घर में अपने फ़ोन का टूटा हुआ टच या फिर टूटा हुआ डिस्प्ले रिपेयर कर सकते हैं। तो मैं आपको इसमें पूरा 100% वर्किंग ट्यूटोरियल बताऊंगा और आप सीख भी पाएंगे इस वीडियो में कि आपको क्या क्या करना हो, क्या क्या सामान लगेगा और कैसे आप अपने फ़ोन का टूटा हुआ टच रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए बिना बात के वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको एक एक हल्की सी प्रोसेस बताते जाऊंगा। और आपको अगर आपका फोन टूटा हुआ है तो आपको प्रोसेस फॉलो करनी है और आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगेगी अगर ये प्रोसेस आप फॉलो करते हो तो। सबसे पहले ये फोन है जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, काफी बुरी तरह से टूटा हुआ है। इसके बदले में हम इसे रिप्लेस करने वाले इसी सेम फोन के टच के साथ में, जो कि एक मार्केट में मिल जाता है आसानी से। अगर आप चाहे तो अमेज़ॉन से या फिर ebay.com से भी परचेस कर सकते हैं। हमारे रिटेलर से मैंने ख़रीद लिया है, तो शायद आपके पास अगर रिटेलर के पास नहीं हो तो आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। तो सेम फ़ोन का सेम डिस्प्ले है, मॉडल नंबर बता देंगे तो आपको कोई भी रिटेलर उसके पास अवेलेबल होगा तो दे देगा। तो इसे रिप्लेस करने के लिए सोल्डरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ ये एक सॉकेट होता है स्लॉट के अंदर में, बस इसे फिट कर देना है, बस काम ख़त्म। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मार्केट में मैं इसे रिपेयर करने के लिए गया था तो उन्होंने 1000 रुपीज़ मुझे चार्ज बताया था, जो कि इसका सामान इतना महंगा है नहीं और अभी इस फ़ोन की वैल्यू भी उतनी बची नहीं है कि रिपेयर करने के बाद भी 100 रुपये में इसे कोई ख़रीद सके। तो उन लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ जो कि फ़ोन की मार्केट वैल्यू तो कम हो गई है लेकिन फ़ोन को फिर भी यूज़ करना चाहते हैं। तो देखिए, फ़ोन की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है बट फ़ोन वर्किंग कंडीशन में है, इसलिए मैं इसे रिपेयर कर रहा हूँ। चलिए सबसे पहले हमें इसका बैक कवर, सबसे पहले मैं इसको दिखा देता हूँ कि इसका टच कितना काम कर रहा है। देखिए दोस्तों, टच प्रॉपरली वर्क कर रहा है, टूट गया है लेकिन मैं इसे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, इस वजह से मैं इसे चेंज कर रहा हूँ। देखिए बैक पैनल हटाने के बाद सबसे पहले हमें बैटरी इसके रिमूव करनी पड़ेगी। बैटरी रिमूव करने के बाद आपको सबको पहले यहाँ पे दिखाई देंगे जो यहाँ पे लगे हैं स्क्रू, ये चारों साइड में पूरे स्क्रू लगे हैं। इन सबको आपको खोल के इसका बैक कवर निकालना पड़ेगा जो कि इसका फ्रेम के साथ में अटैच होता है। तो सबसे पहले हम स्टार वाला ड्राइवर लेंगे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, स्टार वाले ड्राइवर से हम सारे स्क्रूज निकाल लेंगे। इसके लिए सिर्फ स्टार ड्राइवर की ही ज़रूरत पड़ती है। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ के सारे स्क्रू जो है हटा दिए हैं। ओके, तो सारे स्क्रूज हटा दिए हैं। तो अभी हमें इसे डिस्प्ले को ऊपर उठाना होगा। तो इसको डिस्प्ले को ऊपर उठाने का एकदम सिंपल सा तरीका है, आपको पहले इसे थोड़ा सा प्रेस करना है दोनों हाथों से, ज़्यादा नहीं बिल्कुल हल्का सा, और आपने दोनों उंगलियों के नाखून को बस अंदर प्रेस करना है। देखिए एक साइड से ये बाहर निकल आ गया, दूसरी साइड से भी आपको सेम ऐसा ही करना है और ये बाहर आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है, सिंपल सी बात है, इसको पकड़ के आप हल्का सा इधर से दबा भी सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा टाइट है इस साइड से, और अब हम इसे ढीला करते करते देखो दोस्तों, इसका बैक पैनल जो है, इसकी फ्रेम ये जो रिमूव हो चुकी है पूरी तरीके से। अब सबसे पहले बात आती है इसकी ये फ्रेम की, जो यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है और यहाँ पे एक जो लगा हुआ है, इसे दोनों को खोलना पड़ेगा, तब जाके इसका जो मदरबोर्ड है वो बाहर आ जाएगा।
आप जैसे ही मैंने सारे स्क्रूज हटा दिए इस पर से, इसका जो डिस्प्ले का कनेक्शन है हम रिमूव कर देंगे। देखिए यहाँ पे मैं फिर से एक बार बताता हूँ कौन से कनेक्शन आपको रिमूव करने हैं। डिस्प्ले के कनेक्शन दोनों आपको यहाँ से रिमूव करने हैं। जैसे रिमूव हो जाएंगे आपको इस डिस्प्ले को हल्का सा उठाना है, राइट से लेफ्ट की तरफ उठाना है। और उठाने से पहले यहाँ पे जो आपके पावर बटन का जो सॉकेट दिया है उसको निकाल लेना है। ये चिपका हुआ होता है ग्लू से हल्का सा, आप इसे एक धक्का भी दे दोगे तब ये निकल जाएगा। देखिए ये आसानी से निकल गया। तो सबसे पहले आपको इसे हल्का सा उठाना है और यहाँ पे जो मदरबोर्ड का कनेक्शन दिया गया है उसे निकाल लेना है। ज़्यादा ज़ोर से नहीं निकालना है दोस्तों, वरना वो स्लॉट खराब हो जाएगा। देखिए हल्का सा प्रेस किया और ये निकल गया। तो अभी आप देख रहे होंगे कि डिस्प्ले की फ्रेम अलग हो चुकी है और इसका जो मदरबोर्ड है वो भी पूरी तरीके से अलग हो गया है। तो हमने घर में ही इसे डिसेंबल किया है। तो सबसे पहले इसे हमें चेक करने के लिए मदरबोर्ड में साइड में रख देता हूँ, जो कि इसका कुछ काम नहीं है फिलहाल का। हमारा जो मेन काम था, मेन पोर्शन है, वो एरिया है वो डिस्प्ले, जिसका अभी टच टूटा है और हमें इसे रिमूव करना पड़ेगा और उसकी जगह लगाना पड़ेगा एक नया टच। तो रिमूव करने के लिए सबसे पहले आपको जो टूटा हुआ टच है उसको हल्का सा प्रेस करना पड़ेगा। जो आप देख सकते हैं हल्की सी यहाँ पे से एक पतली सी तार नजर आ रही है, बस उसको नाखून से धीरे 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 होते हुए निकाल लेना है। और यहाँ पे सबसे पहले मैं एक बात बता दूँ आपको, तो जो आपका टच पैनल होता है उसका कनेक्शन होता है यहाँ पे, जो एक आईसी दिख रही होगी आपको गोल्डन कलर की, एक ब्लैक आईसी के नीचे से आता हुआ कनेक्शन जो यहाँ पे अटका हुआ है, उसे निकालने के सिंपल सा तरीका है। बस इसके इस क्लिप को आपको ऊपर उठाना है, देख सकते हैं आप, ये ऊपर उठ गए, फिर से दिखा देता हूँ मैं, ये जैसे यहाँ पे से ऊपर उठ गई है। और इसके ऊपर से हल्का सा प्रेशर दे के हमें इस आईसी को ऊपर उठा लेना है। देखिए ये ऊपर उठ गई है। ऊपर उठने के बाद इसे अपनी नाखून से हल्का सा पीछे की तरफ खींचना है और ये बाहर आ जाएगा। देखिए हमने टच का कनेक्शन निकाल दिया है, टच का कनेक्शन निकाल दिया, अब सारे कनेक्शन इसके चले गए। अब हम इस टच को, जो टूटा हुआ टच है, उसको हम निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये टूटा हुआ होने के कारण आसानी से ऊपर आ रहा है, तो बस जितना ऊपर आके है वही से हम इसे ऊपर उठा लेंगे। जैसे एक तरफ से जगह बन जाएगी तो उतनी ही फास्ट फास्ट तरीके से ये बाहर निकलता हुआ नजर आए। देखिए तो ग्लू के साथ में ही निकालना है, क्योंकि टच पैनल में जो है नए वाले उसमें ग्लू लगा हुआ ही आएगा।
हल्का सा, अगर आपके पास हॉटर गन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, बस हल्का सा प्रेस करते हुए निकालना है इसे। टच है वो रिमूव हो चुका है, बस एक साइड इसका बाकी रह गया है जो ग्लू से चिपका हुआ था। तो देखिए ये जो टूटा हुआ टच था इसको हमने रिप्लेस कर लिया, जो इसका आईसी है वो भी टूट चुका है। तो देखिए ये टूटा होने के कारण इसके ऊपर जो है वो डस्ट आ गया है, और इसके साइड में जो लगा है वो ग्लू है, इस ग्लू को हमें हटाना पड़ेगा। अगर नहीं हटाते तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ये ग्लू इसके साइड में नहीं आना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए दोस्तों अब ये क्लीन हो चुका है। देखिए तो जो हमारा जो नया वाला टच है उसे हमें ऐड करना है इसमें, तो इसे ऐड करने का एक सिंपल सा तरीका है। इस बात का ध्यान रखना दोस्तों आप कि इसके ऊपर कोई भी कचरा ना हो जब भी आप इसे ऐड करते हो, तो जितना आपको क्लीन करना है उसको उतनी अच्छी तरीके से आप क्लीन कर लीजिएगा, एयर पीस को, जो भी चीज़ें आपको ठीक नहीं लगती है उन उन सब चीज़ों को आपको क्लीन कर लेना होगा। देखिए दोस्तों मैं अब इसे क्लीन कर ले रहा हूँ अच्छी तरीके से क्लॉथ से। है जो पुराना सॉकेट था उसमें से इस आईसी को आपको बाहर निकालना पड़ेगा, जैसे कि मैंने अभी इसे डाल के जैसा मैं कर रहा हूँ वैसी प्रोसेस अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका टच ऐड हो जाएगा। और जो इसका बटन है वो सबसे पहले आप इसे लगा दीजिएगा, फिर बाद में इस टच को उसके ऊपर रख देंगे। तो अंदर फिट कर दूंगा और मैं इसे रख दूंगा। अब ये सेट हो गया है, इसे चारों तरह से प्रेस कर देना है आपको अच्छी तरह से, इसका जो ग्लू है इसके ऊपर।
मैं इसे एक बार लगा के चेक करके भी दिखाता हूँ। ये रिपेयरिंग वाला वीडियो तो मैं फर्स्ट टाइम नहीं बना रहा हूँ, इसके पहले भी मैंने ऐसे वीडियोस बनाए हैं, बट मैं अपलोड फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, इस वजह से मैं आपको इसमें हर एक डिटेल जो बात है वो क्लियर क्लियर बता रहा हूँ। ये देखिए, इसका टच तो अच्छी तरीके से अब चिपक चुका है, इसका ग्लू भी अच्छी तरीके से अब इसे पकड़ चुका है। देखिए, बटन एक बार आप प्रेस करके देखिए, इसका जो होम बटन होता है वो काम कर रहा है या नहीं। अभी तो ये ठीक ठाक से काम कर रहा है, ढीला भी नहीं है, और देखिए ये निकल भी नहीं रहा है। तो अभी ये ठीक ठाक तरीके से लगा हुआ है। ये जो टूटा हुआ था हमारा टच डिजिटाइजर, जो हम इसे निकाल के साइड में रख देंगे, आप सारी चीज़ें पहले ही क्लियर कर देना, बाद में छोड़ने वाला काम कभी नहीं रखना। तो चलिए मैं इसे एक बार आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो देखिए कनेक्शन कैसे ऐड करना है, ये जो मदरबोर्ड का मेन है इस सॉकेट में आपको ऐड करना है। देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जैसे इस पे रखना है हल्का सा और प्रेस कर देना है। देखिए ये लग गया। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपको कलर वाली प्लेट दिख, कर देंगे और इसे प्रेस कर देंगे। करना होता है और यहाँ पे जो पावर बटन है जो ग्लू के साथ लगा हुआ रहता है, इसे भी एक बार और मैं इसे सबसे पहले फ्रेम में डाल के चेक करवा के देता हूँ आपको कि ये प्रॉपरली सही तरीके से काम कर रहा है। और इस फ्रेम को नीचे दबाना है तो ये सेट हो जाएगा।
देख सकते हैं एकदम स्मूथली वर्क कर रहा है हर जगह से। मैं इसका टेस्ट पास भी करके बता देता हूँ। जैसे कि हम डायलर पे जाएंगे, तो इसका टेस्ट पास आ जाएगा। आपको देखिए एकदम स्मूथली वर्क कर रहा है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए एकदम प्रॉपरली वर्क कर रहा है। देखिए टेस्ट पास हो गया। तो देखिए दोस्तों, हमने कितने आसानी से अपने ही घर में एक एक स्टार स्क्रू ड्राइवर की मदद से एक टच चेंज कर लिया। तो आप भी ऐसा ही घर में कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद में अगर आपका कोई कमेंट और सुझाव हो तो आप मुझे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। कमेंट के जरिए मैं आपका जवाब दूंगा और डिस्क्रिप्शन में मैं अपना मोबाइल नंबर और अपनी जीमेल आईडी छोड़ दूंगा। अगर मैं ऑफलाइन पे रहता हूँ तो भी मैं जीमेल के थ्रू आपका जवाब देते रहूँगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और आपका कोई कमेंट और सुझाव हो तो मुझे बेझिझक कमेंट में आप बता सकते हैं। तो ऐसे ही मिलते हैं इंटरेस्टिंग से एक नए टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।